हेलो दोस्तों, मैं हूँ भावना चंद और मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कैसे विदाउट मेकअप और बिना किसी झंझट के आप लोग कैसे अट्रैक्टिव लग सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ये है कि वेल ड्रेस्ड, यानी कि अपनी ड्रेसअप के साथ आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। आप वही कैरी कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट लगे, ये ना हो कि आप बार बार इस तरह की कोई चीज़ मत कीजिए। जो भी आपने पहना हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो ही कैरी कीजिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर सकें। कुछ ऐसा अपने लिए चूज़ कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपको मेकअप करना नहीं आता तो बिल्कुल मेकअप मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लाइट लाइनर यूज़ करती हूँ, लाइट काजल विथ लिपस्टिक, और लिपस्टिक में मैं थोड़ा डार्क कलर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उससे जो मेरे चेहरे पे ग्लो लगता है, मुझे मेरा थोड़ा चेहरा फेयर लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए डार्क लिपस्टिक विथ लाइनर। और ज्वेलरी की अगर बात करूँ तो मैं ज्वेलरी में बहुत कम होता है कि मैं ज्वेलरी कैरी करती हूँ, बट अगर मैं इयर रिंग्स डालती हूँ तो मैं नेक पीस नहीं लेती, और अगर मैं नेक पीस वेयर करती हूँ तो मैं इयर रिंग्स ही डालती हूँ। मैं दोनों में से एक चीज़ चूज करती हूँ जिससे कि ज़्यादा झंझट भी नहीं होता और मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। सो आप लोग भी अट्रैक्टिव लगने के लिए मेकअप के साथ ज्वेलरी में वही चीज़ कैरी कीजिए जो आपकी पर्सनैलिटी को ज़रूरी चीज़ है कि आप कम बोलें, क्योंकि मैं खुद बहुत बोलती हूँ तो कई बार क्या होता है कि आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती आपके ज़्यादा बोलने की वजह से, और आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ बहुत मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूँगी बहुत ज़रूरी है कि आप कम बोलिए और शांत रहिए। ज़्यादा एक्सप्रेस करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, जब आपको लगे जहाँ आपका बोलना आपका पॉइंट मैटर करता है आप वहीं अपना पॉइंट रखिए, अदरवाइज मत रखिए। हाँ, अपने दोस्तों यारों में आप ज़रूर बोलिए, खुल के बोलिए, क्योंकि वहाँ पर आप फाइट भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, और वहाँ पर जो एक हेल्दी डिस्कशन चलता है। लेकिन अगर आप यू नो अपने बॉस के साथ आर्ग्यू करोगे तो वहाँ नौकरी जाएगी, अगर अपनी फैमिली में करोगे तो वहाँ पे आपको बदतमीज़ करार दे दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड्स का सर्कल ही होता है जहाँ पर आप कंटिन्यू बोल सकते हो। और नेल्स, ठीक है, अगर आप नेल्स नहीं बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर बढ़ाते हैं तो प्लीज़ उनको क्लीन एंड क्लियर रखिए। उनमें हमेशा कोई भी नेल पेंट जो आपके हैंड्स के कलर को सूट करता हो वो यूज़ कीजिए। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डार्क नेल पेंट्स बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, डार्क नेल पेंट्स जब निकल जाते हैं ना तो वो बहुत भद्दे से लगते हैं, लेकिन वही जब न्योन कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स होते हैं, तो वो इतने इफेक्टिव या इतने बुरे नहीं लगते। तो आप अपने हैंड्स के लिए जो है लाइट कलर यूज़ करिए। साथ ही साथ ही अगर आपने हैंड्स के नेल्स जो है बढ़ाए हुए हैं तो प्लीज़ उनको शेप में भी रखिए, क्योंकि विदाउट शेप बहुत बुरे लगते हैं। वो कहते हैं ना, बॉडी पे विदाउट शेप बहुत बुरे लगते हैं, तो सेम चीज़ है कि हर चीज़ एक शेप में अच्छी लगती है। तो आप लोग जो है अपने नेल्स को पॉस्चर, जब आप बैठे तो ऐसे ना बैठे, क्योंकि ऐसा बैठने से आपकी पेट झुकी हुई जाती है और सामने वाले को एकदम लो सी पर्सनैलिटी लगती है एकदम। तो आप ऐसे अपनी कमर को अपनी पीठ को स्ट्रेट करके बैठिए ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगे, और ये एक प्रेजेंटेशन का भी बहुत अच्छा तरीका अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो आप हमेशा अपनी पीठ को एकदम स्ट्रेट करके बैठिए, ठीक है, ताकि सामने वाला भी आपको देख के अट्रैक्ट हो कि ये हर चीज़ पॉस्चर एक तरीके से करती है। स्मेल गुड, हाँ, तो हमेशा परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए बाहर निकलने से पहले, या जब भी नहाने के बाद ज़रूर परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि स्मेल के वजह से सामने वाले का मूड भी ख़राब हो जाता है कई बारी। सो इसलिए स्मेल ना आए आपकी बॉडी में, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। लेकिन कई लोगों को क्या आदत है कि पूरी की पूरी बॉटल ही ख़त्म कर देते, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। बहुत लाइट सा हमें परफ्यूम यूज़ करना है जो आपको अच्छा लगता हो, किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड का, पर स्मेल गुड। अगर हम बात बालों की करें तो अपने हेयर को आप उस हिसाब से टाई किए, उस हिसाब से बताइए कि जिस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी में भी सूट करें। कई बार बेबी हेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं ना, वो निकले हुए बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है, तो उनको ठीक से टाई अप कीजिए।